और मैं चलाऊंगी स्कूटी मैं खा रहा हूं। अलग रेट नहीं होगा, नहीं एडिटिंग होगा, नो एडिट। ड्रोन शॉट लिया एडिशन है। वेरी ब्यूटीफुल कपल थी मौसी। आई सेड 350 नहीं सेट। हे गाइस वेलकम बैक टू माय सी भाई। गलती कर ली यार उसको देख के। लेट्स गो। ऐसी जीत तो चाहे जिंदगी है। हेलो एवरीवन, आई एम योर बग्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो थंबनेल देख के पहले पता चल गया आपको कि मैं गोवा आ चुका हूँ, ठीक है। पर गोवा की ट्रिप एज यूजुअल सक्सेस नहीं जाती है क्योंकि आपके दोस्त की वजह से आपका प्लान कैंसिल हो जाता है, पर मैं मेरे दोस्तों को लाया ही नहीं हूँ, इसलिए मैं सक्सेस हूँ और मैं गोवा फाइनली पहुँच चुका हूँ। तो आई वांट टू थैंक मी। पर ठीक है, आपके लिए दो तीन दिन बाद सरप्राइज़ है गोवा में मैं क्यों आया हूँ और क्या करना है। एक्चुअली मैं समर का कुछ क्रेजी प्लान करके आया हूँ, ठीक है, पर वो सरप्राइज़ है। और आज हम लेट पहुँचे, लाइक इवनिंग हो गई है, तो हम ग्रीन मार्केट एक्सप्लोर करेंगे और दिशा के लिए कुछ थ्रिफ्ट करेंगे क्योंकि मैं खाली बैग लेकर आई हूँ। इसके बाद समर कंटेंट, इसके बाद समर के लिए मतलब कुछ था नहीं और मैंने बोला चल गोवा चलते हैं, तो एकदम फास्ट फास्ट प्लान कर लिया। और उसके बाद आउटफिट नहीं है शूट के लिए, पर मेरे पास है। तो समर कंटेंट के लिए देखो मेरे पास आउटफिट, सो ये कंटेंट बनाएंगे। तो तीन चार दिन अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए स्कूटी चाहिए, तो स्कूटी रेंट आउट करते हैं और गोवा अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे स्कूटी पे। और मैं चलाऊंगी स्कूटी। स्कूटी मैं नहीं बैठ रहा इसके पीछे। तो तुम पीछे को तो मैं रस्सी बांध लूंगी पीछे से, तो प्लीज गाइस सेफ ड्राइविंग। तो लाइक स्कूटी अवेलेबल नहीं है, कल मॉर्निंग मिलेगी, अभी रात को 8-9 बजे आएगी, तो एक भी स्कूटी अवेलेबल नहीं है। दो नंबर पे मैंने ट्राई किया तो अत्याचार हो रहा है, मुझे पैदल चला के बीच ले जाया जा रहा है। मैंने बोला अब यहाँ से देखो तो बोलते पैदल चल, यहाँ से नहीं लेके जाऊंगा। यहाँ से 1 किलोमीटर बीच है, उसके लिए टैक्सी करूँ? गोवा की टैक्सी एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव है, तो मैंने कहा 1 किलोमीटर तो चल सकते हैं ना, इतना कार्डियो तो कर सकते हैं, जो लाइन भी साथ दिखेगी। दुबई में 3 महीने एक टैक्सी में घूम रहा था, तो उसको एक्सपेंसिव नहीं लग रहा था। मैं कब, साथ में कब, तो उसको गोवा में एक्सपेंसिव लग रहा है। कब टैक्सी में घुमा? मैं लोकल से लेके सब एडजस्ट कर लेता हूँ, आई एम वेरी एडजस्टेबल, ठीक है। हाँ हाँ मत कर, व्हाटएवर। फ्रॉम रशिया, ओके नाइस, हाय से हाय। Хорошо. Хорошо meaning? Да. Mean? Всем. Ну, и жене, и мне хорошо там. Прекрасно. Greeting word. Пляж. Да, хорошо. Пляж. It's okay. Bye. Wait a minute. Who are you? So finally, Ala Goa Beach पहुंच गए. और ये 1 किलोमीटर दूर नहीं है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बीच इतना साफ सुथरा होगा। ऑनेस्टली मैं जब लास्ट टाइम गोवा थी, इतना गंदा बीच हो रहा था ना, समर में आई थी मैं। अभी तुम प्रोफेशनल ट्रैवलर के साथ ट्रैवल कर रहे हो। हाँ, तो तुम्हारे लिए बीच साफ नहीं हुआ है, ठीक है। ये अच्छा ही व्यू है और इसको नाटक थे आने से पहले ही चल के ये वो, ठीक है। बीच पे पहुंच चुके हैं और ये रहा आला गोवा बीच का व्यू। और ये बीच बहुत प्यारा है, बहुत क्लीन है। और कंटेंट नहीं बनेगा, कलर ग्रेड नहीं होगा, नहीं एडिटिंग होगा, नो एडिटिंग, नो कलर ग्रेड, नो कुछ भी नहीं। पर ये बीच बहुत प्यारा है, ये बोल रही थी कि 1 किलोमीटर चलना ही हो, पर 1 किलोमीटर नहीं था, 500 मीटर भी नहीं था, और बहुत अच्छा बीच है। सो यहाँ बाद में शूट करेंगे। यहाँ की सुंदरता तो बीच से चलते चलते हम कोलवा मार्केट आ गए और दिशा को एक स्टोर मिल गया, इधर दुकान मिल गया, यहाँ पे बाकी और आ गए तो हम यहीं पे रुक गए हैं। दिखा ऐसे है? अच्छा है, तो कुछ स्टोर ऐसा है देखो, तो दिशा के लिए थ्रिफ्ट करेंगे। एसेसरीज चेक कर रहे, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। 3, 2, 1 गो। तो फाइनली चलते चलते कोलवा मार्केट पहुंच चुके हैं और यहाँ बहुत सारी शॉप है, तो देखेंगे अभी दिशा मैम के लिए कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं। से हाय बेबी, हाय बोलो, क्या नाम है, क्या नाम बढ़िया पढ़ते हो? हाँ। और आपका? ये छोटी स्कर्ट का है, छोटा स्कर्ट। आपका नाम स्माइल है ना?
You are really beautiful couples and very nice and very sweet couple. Auntie English bol rahe acche aur compliment de rahe. Auntie kisne sikhaya aapko? Thank you sweetie. Kisne sikhaya aapko? Par hum couple nahi hai. Hi sweetie. तो ये स्टोर में अच्छा है, मतलब यहाँ के गोवा में सब स्टोर पे आंटी ऐसे ना अच्छे से ट्रीट कर रही है, लाइक एकदम ऐसा लग रहा है कि अब ले ले, नहीं लेना है फिर भी ले ले ऐसा। आंटी दिशा के लिए बहुत सारी चीजें दिखाई, मेरे लिए क्या है? ओके, आपके लिए भी दिखाता है क्या? बताओ आपके लिए देखो दो तीन ट्राउजर्स। ये दिशा को दिखाया, वही मेरे को दिखा रहे हैं कि ये लड़के भी पहनते है। अभी मैं तो स्टाइल कर लूंगा, फिर दूसरे लड़के आके नहीं करेंगे। ये अच्छा है, ये 200 टिक टिक टिक। आंटी लेट हो रहे हैं, और भी मार्केट एक्सप्लोर करना है। तो आंटी ने हम लोगों के दो आउटफिट और दो ज्वेलरी 700 में डन कर लिया। आंटी यू वेरी नाइस, थैंक यू आंटी, थैंक यू थैंक यू। मोशी मोशी ऐसे करते आंटी, मोशी मोशी फैशन मॉडल है, हीरो जैसे लगते हो क्या? दिखाओ तो सर आपने 2 रुपए की शक्ल। तो ये शॉप पे कुछ क्रेजी क्रेजी लाइटर्स भी है, और ये कुछ ज्वेलरी देख रही है, उसको समझ आए तो लेगी, एक दो लिए। ये वाला अच्छा है। वो भी लाइक हम ये शॉप पे आए थे और हम ब्लॉग कर रहे थे, मैं दिशा का ब्लॉग कर रहा था, तो वो अंकल ने मतलब दोनों की चैनल सब्सक्राइब की और इंस्टाग्राम सब्सक्राइब कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, सो अच्छा लगा, और एक सब्सक्राइबर फॉलोअर बढ़ा है तो मैं खुश हूँ। और हाय 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 हाय, व्हाट इज़ योर नेम? अभी तो मैंने बताया, मैं उसको पूछ रहा हूँ ना, तेरे को पूछा? अन्नाया। तो मार्केट एक्सप्लोर करके हम खाने आए बीच पे, और ये प्रॉपर्टी है, क्या नाम है? सिल्वर स्पून। यहाँ पे बहुत सारे बहुत सारी प्रॉपर्टी है लाइक बीच पे, और ये यहाँ मतलब पास में ही है जो हमारा स्टे है वहाँ से। तो हम आए और पास्ता एंड ग्रेवी ऑर्डर की। तो आज थ्रिफ्टिंग किया और उसके बाद डिनर किया बीच पे, और अभी रूम पे आए, 12:30 बज रहे, थोड़ा सा डेटा सॉर्ट करूँगा और उसके बाद सीधा सोने जाएंगे, और कल सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गोवा। तो हमारा सेकेंड डे है, लाइक मॉर्निंग हुई है अभी अभी, और मेरा शावर लेना बाकी है, और हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, और मेरी आवाज़ थोड़ी डाउन है, लाइक अभी उठाऊँ जस्ट सुबह हुई है, और मैंने 3-4 पुशअप्स के सेट किए हैं प्री पम्प के लिए, तो समर का शूट करेंगे तो थोड़ी बॉडी अच्छी दिखनी चाहिए ना। और भार्गव की शक्ल एज यूजुअल ऐसी ही है, गरीबों जैसी, बट ठीक है कोई नहीं, और मैं सेक्सी दिखता हूँ, मेरा कंटेंट बोलता है, मेरा काम बोलता है, रोस्टेड कुछ भी। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद मेरा शूट करेंगे, और शाम को भार्गव का शूट करेंगे। देखो इन्फ्लुएंसर है ना, फोटो खींचने के बाद खाते हैं जब ठंडा हो जाता है। तो दिशा ने 30 से 40 प्रॉपर्टी पिच की थी लाइक गोवा आने से पहले booking.com से, तो उसमें से एक दो प्रॉपर्टी ने रिवर्ट बैक किया था, और ये प्रॉपर्टी अलग हुआ उसी में से, लाइक उनको एक रील चाहिए, 2 स्टोरी चाहिए, तो वो कर देंगे, और इसके बाद एक सेक्सी प्रॉपर्टी पर जाने वाले हैं, वो मैं दिखाऊँगा आपको, शायद नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा। तो अभी दिशा का आधा शूट हुआ है, और ड्रोन शॉट लेने के लिए जा रहे हैं, लाइक यहाँ बहुत ट्रीज है, तो मैंने कहा कि ड्रोन कहीं ठुक ना जाए, या मतलब एक बार ये ऑलरेडी ठुक चुका है, और इसका लाइक दूसरा ये पंख है ना, मतलब वो एक्स्ट्रा स्पेयर है नहीं, लास्ट था वो लगा दिया इसमें, और इसका सर्विस सेंटर भी इंडिया में कहीं है नहीं, क्योंकि बाहर से मंगवाया था। तो इसके लिए मैं स्पेस ढूंढ रहा हूँ कि एक शॉट ले, उसका प्रॉपर्टी का भी अच्छा लगे, और स्टोरी में भी रखेंगे और उसके कॉन्टेंट में भी रखेंगे। गाइस कितनी मेहनत कर रहा है बेचारा, मेरे वीडियो के लिए ड्रोन शॉट ले रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड, मेरा वीडियो है। हाय कर दो, बता दो मैंने कितने अच्छे से सिखाया है। सॉरी इसको शॉट लेना नहीं आता ड्रोन से, मैंने इसके अच्छे अच्छे शॉट लिए, इसने मेरे नहीं लिए। हम लोगों ने ड्रोन ऊपर उड़ा दिया है, मतलब मैंने, सॉरी, और ये ऊपर से शॉट वुमन मेरे हाथ में ड्रोन है, और इसने बोला कि मैंने उड़ाया। अरे वो मेरे को ये लेना था ना, तो मैंने तुम्हारे हाथ में दे दिया, और ऊपर से ये शॉट है विला का।
गाइस अभी हम लोग बीच जा रहे हैं। लेट्स गो। तो मैं और दिशा ने एक आउटफिट प्लान किया है, लाइक कल बीच पे आए थे ना तो पास में ही है, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक एक कंटेंट बनाया जाए, और मैंने कुछ ड्रोन शॉट सोचा है। ये सैंड उड़ता है कि नहीं पता नहीं, पर एक बार उड़ा के देख लेना। तो तेरे मुंह पे उड़ेगा, हवा इस तरफ चल रही है। ठीक है गया आँख में जी भाई, लेंस पहने और धूल गिरा दी, गंदे हो गए लेंस। तो क्या करना है, डॉन होता जा रहा है, लाइट चली जाएगी, कुछ फोटो नहीं आएंगे। तो जस्ट शूट खत्म हुआ है और बीच पे हम, लाइक अभी बीच की वाइब देखो कुछ, ये रेस्टोरेंट है और यहीं पे शूट किया है। लाइक लाइट नहीं थी और कंटेंट बनाना था दोनों का, तो मैंने बीच में ब्लॉग नहीं किया, पर देखो ड्रोन शॉट लिया है दिशा ने, देखो दिख रहा है। ये अच्छे से एडिट करके आपको दूंगा, लाइक लो लाइट पे लिया है तो मेरे को देखना पड़ेगा नॉइज़ आ रहा है कि नहीं। और अभी चलते गए खाने और दिशा का भी कंटेंट बना है। दिशा चलो सला गेहूं टा चीज राज है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा। गुड मॉर्निंग गाइज, लाइक सॉरी कल मैं ब्लॉग नहीं कर पाया, मतलब कल स्टोरेज फुल हो गया था फ़ोन का और मेरे पास आईपैड और मेरा हार्ड ड्राइव नहीं था, मैं डेटा मैनेज कर सकूँ। सो कल का ब्लॉग नहीं हो पाएगा, कल की क्लिप नहीं आ पाए कुछ भी, तो वहीं पे एंड करना पड़ा। दिशा का शूट किया ये प्रॉपर्टी का, और आज इन्हीं की दूसरी प्रॉपर्टी है, उनका मेरे को शूट करना है तो उसकी रील बनाते हैं, और उनका ड्राइवर शायद बाहर वेट कर रहा है, तो वो चलते हैं अपन और करते हैं शूट, लेट्स गो। कल जो नंबर दिया था इन्होंने ड्राइवर अंकल का, वो स्विच ऑफ आ रहा है अभी, तो मैंने सोचा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं अभी और फिर निकलते हैं 10-15 मिनट में। तो अभी ड्राइवर आए हैं और हम जा रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। थैंक यू गाइस, ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, गलती कर दी यार इसको। क्या हुआ मैं बताता हूँ। दिशा ने कल बोला कि एक और प्रॉपर्टी है साउथ गोवा में, तो तू वो शूट करेगा तो ये मैं करूँगी, ऐसा चॉइस दी। तो मैंने कहा चल तू पहली चॉइस तेरी रख ले, तो उसने वो प्रॉपर्टी चूज की, पर ये प्रॉपर S30 है और मेरा आउटफिट भी जा रहा है, तो मेरा शूट अच्छा होने वाला है। और दूसरी जगह पे मैंने इसको ये प्रॉपर्टी के बदले मैं रेस्टोरेंट में शूट कर रही हूँ, मुझे रेस्टोरेंट में शूट नहीं करना है। ओह माय गॉड, शूट कर रहे हैं ये प्रॉपर्टी पे, पर यहाँ बहुत धूप है ज्यादा ही, और दिशा शूट कर रही है मेरा। तो और अभी हमने सोचा है कि कुछ ग्लास में कुछ ड्रिंक डाल के शूट करें, पर यहाँ जूस या कुछ ऑप्शन नहीं है, देखते हैं। जस्ट शूट खत्म हुआ है और ये यहाँ का कुछ ऐसा एम्बियंस है, ये मैनेजर है तो कब से वो समझा रहे हैं कि क्या प्रॉपर्टी कितनी पुरानी है, पर अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि और शूट होना चाहिए प्रॉपर्टी का शूट में, ऐसा लगता है कि और ऐसा नहीं कवर हुआ है, नई प्रॉपर्टी से कवर हुआ है ऐसा। तो कल हमारा चेकआउट है, तो हमने सोचा कि यहाँ एक ही दिन का शूट मिला था टाइमिंग, ये टाइम पहले से उन्होंने बोला था कि ये टाइम पे आप शूट कर सकते हो, तो हम आगे प्रॉपर्टी शूट कर रहे थे। तो दिशा मेरे को इतनी अच्छी प्रॉपर्टी लगी, तो हमने कल रिक्वेस्ट की और कल मॉर्निंग 5:30 से 7 हम वापस आएंगे, 7-8 क्योंकि कल हमारा चेकआउट है 10 बजे, तो शूट करेंगे दोनों का। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के। तो कल मुंबई और सूरत में बारिश थी, और यहाँ एक भैया भी बोल के गए कि बारिश आने वाली है, पर देखते हैं शूट हो तो अच्छा है, वरना एक्सप्लोर करेंगे गोवा। क्या नाम है? अलबन। चल चलते। तो जस्ट शूट खत्म हुआ है, ये आउटफिट फर्स्ट पहना था उसका, अभी दिशा के साथ एक रील बना रहा हूँ, तो वो ये रूम है, हमने सोचा ऐसा रूम है कुछ, तो यहाँ शूट करेंगे। और यहाँ के क्या वॉशरूम सेक्सी है एकदम, एस्थेटिक देखो, और हर रूम में अलग कलर पैलेट का वॉशरूम, और हर रूम में अलग बेडरूम और अलग वाइब है। तो अभी शूट करके निकले हैं, पर शूट सही से हुआ नहीं है, फ्रेम सेट नहीं हो रही थी रूम में और लाइट्स नहीं आ रही है, तो मैंने और दिशा ने सोचा कि दूसरी प्रॉपर्टी जहाँ हमने स्टे लिया है वहीं जाके करते हैं, और अलग गोवा का जो स्टे दिया था ना उनकी ये दूसरी प्रॉपर्टी है पीछे वो, और यहाँ सिर्फ शादियाँ होती है, रूम्स और वो नहीं है, और शादी के लिए रूम्स गेस्ट के लिए होते हैं, और ये लग्जरी प्रॉपर्टी है और इसका नाम सिल्वा है।
सीजन दिखी हम छिप छिपाए हम ना आए 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 हम ना आए। तो अला गोवा से चेकआउट कर रहे हैं और सामान पैक कर लिया है और यहाँ से सेकंड प्रॉपर्टी पे जाने वाले। सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है दिशा? ओके तो वहाँ जा रहे हैं, वो भी साउथ गोवा में ही है और उसका दो दिन शूट करेंगे उसकी प्रॉपर्टी का, फिर चलते हैं। लेट्स गो। पे ऐसे फ्यूल मिलता है लाइक 2000 रुपए की टैक्स हुई है यार, दिमाग खराब हो गया। सब फ्री है, सब है, सब है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है अब है।